बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शलजम और गोश्त बनाना सिखाती हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मेरी रेसिपी पसंद आएगी। हम शुरू करते हैं। आज मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ, शलजम गोश्त की रेसिपी। शलजम को मैं काट रही हूँ, उसके बाद फिर मैं गोश्त, पूरी का गोश्त है, दूसरा वाला नहीं। सख्त इतने हैं शलजम, अभी थोड़ा सा इनका मौसम नहीं आया। इतने बड़े बड़े काट लूंगी, मैंने उसे उबालने ही है। कैसे भी काट लोगे वैसे ठीक है, कटने की कोई बात नहीं, कैसे भी काटे। अब मैं ये इसको उबालने लगी हूँ, एक गिलास पानी का उबाल रही हूँ। आधा गिलास डेढ़ ग्लास पानी, आधा ग्लास और पानी डाल दें। पर ये ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट इसको उबाल करना है। सब्जी बिल्कुल गल चुके हैं, अब उबालने लगे। ये एक प्याज देना मेरा, अब मैं पानी डाल दूँ। आधा किलो मिर्ची का तेल, ये डाल तो हमने थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और बड़े शौक रहे मिर्ची, ये 1 मिनट टमाटर डाल दिए। अब गोश्त को मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा शलजम डालूंगी, तो थोड़ा सा बनने दे। ये देखो आप गोश्त बिल्कुल भून गया, अब मैं शलजम डालने लगी। शलजम अब मैंने थोड़े से इसके साथ मैंने इस ऐसे से किया, देखो कितने अच्छे गाले, 5 मिनट लगे थे। पानी बिल्कुल निकालना, इस पानी में अच्छी तरह भूनेंगे शलजम। उसके बाद जब पानी थोड़ा सा खुशक हो जाएगा ना, फिर थोड़ी सी चीनी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ा सा टेस्ट तेज़ ज़रा शलजमों को बदल जाता है।
ये इतनी सी मैचिंग आ गई, थोड़ी सी ज़्यादा आने वाले एक चम्मच। कोई शलजम कड़वा होता है ना, इसके साथ थोड़ा सा मीठे मीठे बन जाते हैं। देखो कितने अच्छे शलजम गोश्त बना लगे, और आग हल्की करने लगी दम पे, इसमें गर्म हो गए। थोड़ा सा और पानी लेंगे, अच्छी तरह भून जाएगा पानी, बिल्कुल खुशक हो जाएगा अच्छी तरह। इसको कवर करने लगे, देखो जी हमारे शलजम बिल्कुल तैयार हो गए। अब मैं इसको चूल्हा को बंद करने लगी हूँ, उतारने लगी हूँ। ये देखो बिल्कुल घी ऊपर आ गया, अच्छी तरह भून गए। जब घी हांडी छोड़ गए फिर हांडी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। धनिया की गाने पा दी करते, ये देखना मार्केट से सर्जन तैयार हो गए। ये देखो मेरे शलजम का शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने लाल उबले चावल बनाए इसके साथ खा के, और बताना कितने मज़े के लगते हैं, हमें तो बहुत पसंद है। मैं क्या आपको भी ट्राई कराऊँ, सलाम भी ले लूँ। ये देखो मेरे शलजम गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया, लाल मैंने उबले चावल बनाए हैं ये साथ, ये मैंने रखे हैं। और इसकी रेसिपी तो सबको ही आती है ना उबले चावलों की, और देखना खा के ट्राई करके, और देखना मुझे सब्सक्राइब देना और मुझे लाइक करना, मुझे फॉलो करना, और सुना कि कमेंट में बताना और कैसी मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़।